ये आपकी बेटी का घर है, आते रहिएगा। सविता जी, मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया है, आप मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे? सविता जी, किसी ने मुझसे कहा था, इंसान बुरा नहीं होता, उसके विकार उससे बुरे काम करवाते हैं। आप इन्हें अपने साथ रखिएगा, ये आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि आएगी। थैंक यू। कहाँ जा रहे हो मम्मी? क्या फिर से मुझे अपने से दूर कर लोगे? कभी नहीं। इतने सालों के बाद तू मुझे मिली हो, तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी। पहले मैं अपने रहने का अरेंजमेंट कर लूं, फिर तुम्हारे पापा और मैं मिलके बात करेंगे कि हफ्ते में तुम कौन से दिन किसके पास रहोगी। पर मुझे हफ्ते के सारे दिन अपने मम्मी और पापा दोनों के साथ रहने, और इसी घर में। कैसे पॉसिबल है श्री? क्यों पॉसिबल नहीं है श्रेया? क्यों जाना है तुम्हें श्रेया? अब तो सब ठीक हो गया है ना, सारी गलतफहमियां दूर हो गई है ना। मॉम और ईशा भी घर छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए तो मुझे भी जाना चाहिए। एक ही वजह से आई थी इस घर में, कि मम्मी और पापा को उनका घर वापस मिल जाए, और वो मिल गया, तो अब रुकने की कोई वजह नहीं है। वजह है, तुम इस घर की बहू हो। थी दीदी, मैं इस घर की बहू थी। वैभव और ईशा अलग हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं। और अगर वैभव तुम्हें खुद आकर रोकेगा तब तो तुम रुक जाओगी ना? बोलो श्रेया। श्रेया, वो मुझे पैकिंग करनी है, मैं सामान लेकर आती हूँ। लो देखो जीजे, वो है ना यहाँ पर बैठ के सिर्फ ये पेपर निहारता रहे, वो श्रेया घर छोड़ के जा रही है। क्या? हाँ, वो कह रही है कि यहाँ रुकने का कोई वजह नहीं है, तो मैं रुक के क्या करूंगी? कुछ करो साले साहब। चल भाई चल। है बेटा, आई एम सॉरी, मैंने बहुत गलत किया है, झूठ बोला है, लेकिन मेरा तुम दोनों के लिए प्यार एकदम सच्चा है। माया, वो जा रही है, माँ है तुम्हारी, एक बार बात कर लो। माँ ऐसी नहीं होती, अपनी बेटी का घर तोड़ाने की कोशिश नहीं करती, अपनी बेटी की शादी में प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करती। जो हुआ उसे भूल जाओ, उन्हें समझ में आ गया है। रहने दीजिए सविता जी, आई थिंक माया इज राइट, शायद मैं ही माफी की हकदार नहीं हूं, यही सजा है मेरी। ईशा बेटा, हमें चलना चाहिए। अच्छी बात है, आपको रियलाइज हो गया आपकी गलती है ना, कहाँ सुनी माफ करिएगा। सपना का जी, अब मेनका जी, इनफैक्ट माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपके फैमिली के हर एक सदस्य से इंडिविजुअली। हाँ, वो माफ कर दिया ना, माफ कर दिया सबने। बाय बाय मेनका जी, अभी फिर कभी मत आना। जीजे, दरवाजा बंद करते चलो। बंद करिए, नहीं तो फिर से आ जाएंगे ना। बंद करिए। वापस आ गए क्या? फिर जा गए? जी जी, देखिए मम्मी है। पापा, डैडी जी। आ गए आप, बड़े खुश लग रहे हैं। मैंने अभी वो मेनका जी और ईशा को जाते हुए देखा। गई गई घर छोड़ के परमानेंट, जान में जान आई। पर ये अजूबा हुआ कैसे? श्रेया की वजह से, उसने किया ये। श्रेया ने? अरे
उसे तो थैंक यू बोलना चाहिए। कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ पापा। श्रेया, ये बैग कहाँ जा रही हो? मम्मी, जिस काम के लिए आई थी वो तो हो गया, अब रुकने के लिए कोई वजह नहीं है। साले साहब, भूत बन के क्या खड़े हो? बोलो यार कुछ। वैभव, इसे रोकना, इसे कहना कि ये ना जाए। हाँ श्रेया, तुम जहां भी जा रही हो उसका एड्रेस दे देना, वो विल बी इन टच। वैभव, वैभव क्या बोल रहा है तू? हाँ माँ, वैसे तो हम टच में रहेंगे और आज रात अपना मिलना भी फिक्स है। सी यू। मम्मी, मैं निकलती हूँ। अरे वैभव, श्रेया, अरे तेरे से बड़ा मैंने बेवकूफ नहीं देखा है। इडियट है तू, एक नंबर का सबसे बड़ा गधा है। तूने उसे जाने कैसे दिया श्रेया को? मार क्यों रहे हो मुझे? मेरी बात सुनो। कूटने वाले काम ही किया आपने। पिछले बार भी श्रेया जी को जाने दे दिए, देवदास बन के बैठे, अभी फिर जी। रोहित छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? दिमाग खराब हो गया? अरे ये बस, ये नालायक ऐसे नहीं मानेगा। जाने कैसे? मत करो। अरे रुको, चाचा ताऊजी रुको। आ गई पापा की बेटी बचाने उन्हें। अरे पापा की सुनो तो, मम्मी को ऐसे ही नहीं जाने दिया है उन्होंने। पापा का कुछ प्लान है। प्लान? कौन सा प्लान? अरे आप बस देखते जाओ, खुद पता चल जाएगा। क्यों पापा? हाँ अच्छा, सब क्या है? श्री ने मुझे यहां बुला लिया। श्री तो है नहीं। श्री, श्री कहाँ हो तुम? श्री तो आ जाएगी। पर पहले उसके पापा को कुछ कहना है। श्रेया तुम घर से चली गई थी और मैं तुम्हें वहां कुछ कह नहीं पाया। और वो इसलिए क्योंकि स्पेशल पर्सन को कुछ कहने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट भी तो जरूरी है। श्रेया, मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मैंने पहले बहुत सारी गलतियां की, पर उन्हीं गलतियों से, अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा हूँ और इस बार तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। वो सब जो मैं तुम्हें पहले नहीं दे पाया, वो सब कुछ जो तुम डिजर्व करती हो। मैं श्रेया माहेश्वरी, तुमने मेरे लिए बहुत किया है, इस फैमिली के लिए बहुत किया है, तो इस घर में और इस परिवार में मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है। तो बताओ, अपने घर वापस आओगे? करोगी मुझसे शादी? सही कहा तुमने, परफेक्ट तो तुम नहीं हो, अभी भी इडियट हो। तो ये कहने के लिए इतनी देर लगा दी। आई लव यू एवर।
थोड़ा और रुकना पड़ेगा शादी के लिए, डिवोर्स तक। मैं इतनी देर रुकी हूँ, थोड़ा और सही। अब आप दोनों यहाँ पे साइन कर दीजिए। मैं कितनी लकी हूँ ना, हर बच्चे को थोड़ी ना अपने मम्मी पापा की शादी के लड्डू खाने को मिलते हैं। आज मेरे घर की लक्ष्मी फिर से घर लौट आई है। मुझे मेरे मम्मी पापा दोनों मिल गए, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी विश पूरी होगी। हाँ बेटा, आज सही मायने में मेरा परिवार पूरा हो गया है। मेरे सुख की सीढ़ी, मेरी तीन पीढ़ी फिर से एक छत के नीचे। एक फोटो तो बनती है। हाँ मम्मी, एकदम सही कहा आपने, फोटो तो बनती है। अरे मम्मी, ये रजिस्ट्रार साहब इतने दूर से आए, एक फोटो ले लो ना। नहीं नहीं, दूल्हा दुल्हन पहले यहाँ पे। लक्ष्मी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से मुझे अपने परिवार से मिलवा दिया। अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि मनुष्य के विचार और उनकी भावनाओं को नियंत्रित करना अनुचित है। किसी भी संबंध को स्वाभाविक रूप से ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी उसमें खुशी आती है। और मेरे मम्मी पापा ने पूरे दिल से एक दूसरे को अपना लिया है। मैं बहुत खुश हूँ अपने मम्मी पापा को एक दूसरे के साथ देखकर। पर माँ, मुझे आपसे एक विनती है, आप मुझसे ये शक्तियाँ वापस ले लीजिए। अब मुझे इन शक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक सामान्य लड़की की तरह अपना जीवन जीना चाहती हूँ माता। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी श्री, और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी। तुम्हें शीघ्र ही ये ज्ञात हो गया कि मनुष्य की वास्तविक शक्तियाँ उसके पुरुषार्थ में होती है, ना कि किसी चमत्कार में। श्री, क्या बातें हो रही है माता से? कुछ नहीं दादी, मैं तो अपनी प्यारी और सच्ची दादी की अच्छी पोती बनने की कोशिश कर रही हूँ। इतना मक्खन लगा रही है, कुछ चाहिए? कुछ तो नहीं। जैसी कृपा आज आपने मेरे परिवार पे की है, वैसे ही हमेशा बनाए रखना। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं माँ, आपने पल पल मेरा साथ दिया है, मुझे मार्ग दिखाया, मेरी आंखें खोली ताकि मैं अपने परिवार के अवगुणों और उनके विकारों को पहचान कर दूर कर पाऊं। माँ, आप ही ने मुझे विश्वास दिलाया कि भगवान चमत्कार नहीं करते, चमत्कार भगवान के भक्त ही करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना माँ। थोड़ा रुको सविता, क्या तुम्हें सच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे परिवार के सभी विकारों का अंत हो गया है? अब भी विकार बचे हैं माँ। जब तक तुम्हारे परिवार के सभी विकारों का अंत नहीं होगा,
तब तक तुम्हारे घर में सदैव के लिए लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होगा। तो इसका पता कैसे लगाओ माँ? एक तरीका है माँ, मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों की परीक्षा लूंगी ताकि पता लगा सकूं कि उनके विकार दूर हो गए हैं या वो अब भी विकारों में फंसे हैं। इस काम में किसकी मदद लूं? श्री, श्री, क्या हुआ दादी? मेरी मदद करेगी? करूंगी तो, पर कैसी मदद? वही किसका फोन है भाई? अननोन नंबर, कौन फोन किया? हेलो। हेलो जी, आप शाम बोल रहे हैं? शाम तो नहीं है, आप कौन बोल रहे हैं? ओह नो, आप शाम जी नहीं हैं। मैं उन्हीं के लिए आई थी, इंदौर से रतलाम, अब कल मिलने बुलाया था, अब बताओ नंबर ही गलत दे दिया, मेरे साथ धोखा हो गया। उदास मत होइए, शाम नहीं हो तो क्या हुआ, मेरे साथ आप अपना दुख बांट सकती हैं। देखा मम्मी, कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये दुख बांटेंगे, मैं इनको बांटूंगी। हेलो, कहाँ चले गए? अरे नाम तो बताया नहीं आपने। वो अब मेरा नाम प्रियंका है। बड़ा सुंदर नाम है प्रियंका। कहाँ मिलने बुलाया था सामने आपको? जी, समोसे वाली गली के चौराहे पे। मच्छी फोन रखी है। सामने आया तो क्या हुआ? मैं हूँ ना। एक लड़की को इंतजार कराना ठीक नहीं है। मैं आऊंगा कल आपसे मिलने। बाय। आपने मुझसे कॉल लगवाया था, मुझे लगा ऐसी बेकार में टेस्ट ले रही हैं आप इनका, ये बदल गए हैं, पर नहीं, ये तो वैसी हैं, दिल फेक आशिक। मुझे लगा था ये टेस्ट में जरूर पास हो जाएंगे, वो किसी गैर औरत से बात तक नहीं करेंगे, पर यहाँ तो वो मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रियंका, कितने प्यार से बात कर रहे थे, कितना सुंदर नाम है इनको। मैम, दादी क्या हुआ? सत्यानाश हो गया, पानी फिर गया मेरी उम्मीदों पे। वैभव प्लीज, कल सुबह टाइम पे उठ जाना, कल तुम्हारी मीटिंग है इन्वेस्टर्स के साथ शॉप के एक्सपेंशन के लिए। बहुत जाऊंगा। वैभव, तुम्हारी ये लेजीनेस कल नहीं चलेगी, टाइम पे पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पापा को भी बता दिया कि तुम शॉप के एक्सपेंशन में हेल्प करने वाले हो, बहुत एक्साइटेड है वो। हाँ, ये सुन रहा हूँ मैं। जैसे वैभव का विकार है आलस, वैसे अदिति का विकार है ईर्ष्या। उसे हमेशा लगता है मैं उसके भाइयों को ज्यादा प्यार करती हूँ, उन्हें ज्यादा मौके देती हूँ। अपने भाइयों की तरक्की से वो कभी खुश नहीं हुई। बस तुम्हारी मीटिंग अच्छे से हो जाए, फिर तुम्हारी तरक्की होगी और फिर पापा इंप्रेस हो जाएंगे, फिर तीनों बच्चों में तुम फेवरेट बनोगे, दीदी से भी ज्यादा। मतलब सोचो वैभव, तुम्हें है वो पोटेंशियल, तुम्हारी मीटिंग अच्छे से हो जाएगी, फिर तो तुम्हें सक्सेसफुल होने में कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। ए हाँ ना श्रेया, सुन लिया, मैं उठ जाऊंगा सुबह कल, सोने दो।
ये अलार्म क्लॉक तो चल ही नहीं रहा, इसकी बैटरी चेंज करनी होगी। अरे दीदी, हाँ बोलो श्रेया। मुझे ना कहीं जाना है, आप एक काम करोगे, ये अलार्म क्लॉक की बैटरी चेंज करनी है, वैभव को कल टाइम पे उठना है, बहुत जरूरी है, प्लीज कर लेना। हाँ ठीक है। पापा का फेवरेट बनना है वैभव को, पर मीटिंग में जाएगा कैसे जब अलार्म बजेगा ही नहीं। शुभ मंगल हो सुबह से शाम तक हो शुभ लाभ, धन वैभव खूब बरसे हर पल में हो शुभ लाभ। शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ।